بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والسيد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون <applause> ناظرين الكرام الله تعالى ني انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے ایک انسانی جسم ہے जिसको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और उसकी खुराक का बंदोबस्त भी मिट्टी से ही कर दिया दूसरी उस जिस्म के अंदर अल्लाह ने रूह डाली और रूह को अल्लाह ताला ने आसमानों से भेजा और उस रूह की खुराक का बंदोबस्त भी अल्लाह ने आसमानों से ही किया जब तक इंसान मट्टी से बने हुए जिसम की नश्व नुमा पे तवज्जो देता है जिसम की कारदगी अच्छी रहती है अगर उसको मुनासिब खुराक न दी जाए तो वह जिसम बीमार हो जाता है उसकी सालाखों में फ़र्क आ जाता है इसी तरह रूह की खुराक का अगर ख्याल न किया जाए तो रूह भी बीवार हो जाता है बल्कि खूबसूरत से खूबसूरत जिसम और तवाना जिसम से अगर रूह को निकाल दिया जाए तो उस जिसम की कोई कीमत नहीं रहती जब तक रूह की मुनासिब खुराक का इंसान बंदोबस्त करता है उस वक्त तक ये रूह जिसम की सलाहियतों को निखारता भी है और हर उस पहलू से बचाता है जिससे इंसान अल्लाह की नाफ़रमानी में चला जाए मालिकलमल्क हदीस कुदसी में फरमाते हैं या यह हर रमतुल्फसी मैंने म को हराम करार दे दिया है तुम आपस में म ना करना जब तक इंसान रूह की मुनासिब खुराक का बंदोबस्त करता है ये रूह जिसम की सालाहितों को निखारता भी है और हर ऐसे पहलू से बचाता है जिसको इख्तियार करने से इंसान नाफ़रमानी की राह पे चल निकलता है एक चीज़ को उसकी जगह से हटाता नज़र आता है एक चीज़ का मुकाम उसको नहीं देता और इसी बेरारवी को ही अरबी ज़ुबान में जुलम से ताबीर किया गया है आज हमारी गुफ्तु का महबर भी यही है म क्या है और म्म की कौन सी किस्में हैं म्मन से मसदर है जिसका मतलब है किसी चीज को बे रखना म हक की कमी को भी कहते हैं किसी चीज़ के गलत इस्तेमाल को भी कहते हैं किसी चीज़ को उसके महल में नहीं उसके गैर महल में रख देना जुल्म कहलाता है वलमी अरबी ज़ुबान में जब इस्तेमाल किया जाए तो उसका मतलब होता है फ़लाँ शख्स रास्ते से हट गया है गुस्से की नज़र तिरछी नज़र और जब इंसान जुलम पे उतर आता है तो उसकी नजर में गैजो तो देखा जाता है और फिर वह अपनी तिरछी नजरों से मजलूम की तरफ देखता भी नजर आता है अल वमबिर फुलाने ऊट को बगैर किसी बीमारी के जबा कर दिया ज़ालिम जब म करता है मजलूम के किसी सबब की वजह से नहीं बल्कि बगैर किसी सबब के ही उस पर जुल्म कर गुजरता है वलम्ल रात का तारीख होना जुलम करने वाला रोशनी के सफर से हटकर तारीखियों के सफर में अपने आप को लगा बैठता है और अंधेरों में ही चला जाता है मिजलाम अरबी जुबान में कठिन काम को कहते हैं जिस शख्स ने अपने आप को जुल्म से बचाने की कोशिश न की वो हकीक़त में अपनी ज़िंदगी को भी कठिन बना लेता है और उस माशरे के अंदर भी अमन सुकून का मामला बहुत ही कठिन हो जाता है ظلم كي تعريف كرته ويكفوي بيان كرته وضع الشيء في غير موضعه والتصرف في حق الغير ومجاوزة حد الشارع كسي چيز کو اسكي محل بينا ركنا और दूसरे के हक में तसरफ करना और अल्लाह की हदूद में तजावस करना ये जुल्म है ज़ुल्म की तारीफ करते हुए कुछ यूँ बयान करते हैं हुरूज अल अतिदैल फिर जमीअल जिंदगी के तमाम जावियों और रवैयों में ये अतदाल की हदूद को क्रॉस कर जाना ज़ुल्म ज़ुल्म है। की याकसाम को बयान किया है सबसे पहली क़िस्म कस्म बेनसानी वबेन अल्ला ज़ुल्म जो इंसान और अल्लाह के दरमियान है कि एक इंसान जिसको मालिकुल मुल्क ने पैदा किया उसको चाहिए कि अपनी जबी को अल्लाह के सामने झुकाए वो अल्लाह के सामने नहीं झुकाता किसी और के सामने झुकाता है तो ये जुल्म करता है और इसी बात को अल्लाह ताला ने कुछ यूं बयान किया है इन न शर्क लगुलआन शर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और दूसरी जगह फरमायान ख़बरदार ालिमों पर तो अल्लाह ताला की लनत है ऐसे लोग जो शिरक को अपना शेवा बना लेते हैं वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाते हैं गुलमन बेना हूँ बेना नस म की दूसरी किस्म कि एक इंसान अपने मुसलमान भाइयों के दरमियान अपने मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म करता है क़ुरान मजीद में अल्लाह अल्ला ताला फरमाते हैं वह जैसा उस स ये आती ऐत भी मह जो किसी से ज्यादती करता है उससे भी ज्यादती की जाती है

थी। थी। की तीन किस्में हैं फुल्ला एक ऐसा जुल्म है जिसको मालिक मुआफ नहीं फरमाएंगे फ़ुल मुल योको और दूसरा ऐसा जुलम जिसको छोड़ेंगे नहीं शिर वो जुल्म جس کو اللہ مالک الملک معاف قال الله سبحانه وتعالى ان الشرك لظلم عظيم شرك ظلم عظيم وأما الظلم الذي يغفره رهاب ظلم جس کو الله تعالى معاف فرمائیں فظلم العباد أنفسهم जो शख्स अपनी जान पे जुल्म कर बैठता है फी मे न बैन रबीम जिसका ताल्लुक बंदे और उसके मालिक के साथ है लदी ला ला रहा वुल जिसको अल्लाह छोड़ेंगे नहीं फ़ुलई बम बद कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पे अगर करता है इसको अल्लाह नहीं छोड़ेंगे

नाजरीन कराम वक्फ से पहले हम ये बात कर रहे थे कि जुल्म की तीन किस्में हैं एक इंसान अल्लाह के हकूक़ को पामाल करता है तो ये भी जुल्म है और एक शख़्स किसी मुसलमान पर जुल्म ढाता है ये भी जुल्म है और तीसरा जुल्म इंसान अपनी जान पे जुल्म करता है उसको सिरात मस्तकीम से दूर रखता है ालिम की भी तीन किस्में हैं सबसे बड़ा ालिम वो है ला तहत जो शख्स अल्लाह की शरीय के तहत नहीं अपने आप को चलाता सबसे बड़ा जालिम है और इसी बात को अल्लाह तान किया है इन न शर का शिरक करना आज़ीम है अवानस जो उससे छोटा जालिम है सुल्तान वो शख्स जो عادل اور مسلمان حاکم وقت کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا الظالم الاصغر اور هو شخص بھی هو الذي يتعطل عن المكاسب والاعمال فياخذ منافع الناس ولا يعطيهم منفعه جو شخص न तो दुनिया का कोई काम करता है न कोई दिन का काम करता है बल्कि आमाल और मकसद से अपने आप को दूर रखता है लोगों से मन लेने की तड़प है कुछ देने की तड़प नहीं है ये शख्स भी जुल्म करने वाला है यह हकीकत में मुशरे की तरक्की को रोकने वाला और माशरे की निखरी हुई शक्ल पे एक डब्बा लगाने वाला है और अपने आप को अपाहज और नकारा बनाकर एक मुसलमान माशरे की तरक्की को रोकता है, है। रसोल्ल वसल्लम ने इसलिए म की हौलनाकियों को बयान करते हुए फरमाया जुलम इंसानी नेकियों के खसारे का सबब है बहुत सारी नेकियां करने वाला इंसान जब जुल्म करता है तो कयामत के दिन उन नेकियों से महरूम कर दिया जाएगा अबू हुरैरा رضی اللہ تعالی रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया मन कानत له مظلمه لاخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه फमिल सही बखारी की इस रिवायत में रसोल्ला सल्ला वसलम फरमाते हैं जिस शख्स ने किसी मुसलमान के साथ उसकी के मामले में म्म किया या किसी और चीज़ में उसको चाहिए कि दुनिया में ही अपने का बदला दे दे दुनिया में ही इस मामले को हल कर ले इससे कबल यमत के दिन न दिरमो दिनार होगा अगर उसने अमले साले किए हैं तो नेक आमाल उससे लेकर मजलूम को दे दिए जाएंगे और अगर बदकस्मती से उसके अमले सालह भी नहीं हैं तो फिर मज़लूम के गुनाहों को उठा के इस जालिम के सर पर रख दिया जाएगा अल्लाह मालिकुल मुल्क हम सबको

ظلمات يوم القيامه ظلم کیونکہ ظلم قیامت کی تاریکیوں کا وفي روايه اخرى اور ایک دوسر رواية دوسری اتقوا دعوه المظلوم مظلوم کی آہو بکا سے تصعد الى السماء كانها شراره क्योंकि मज़लूम की बदुआ उसकी आहुबका आसमान की तरफ इस तरह चढ़ती है जैसे आग की चंगारी चढ़ती हो सल्लल्लाहु अलैहि रसोल्ला वसल्लम ने एक तीसरी रिवायत में फरमाया, अल मज़लूम की बददुआ से बचो, बचोना है गमाम उसकी बददुआ को तो बादलों से ऊपर ले जाया जाता है अल्लाह और मालिक-ul-मुल्क फरमाते हैं वज्जती व जलालीन वे मेरी इज्जत और जलालत की कसम ए मजलूम मैं तेरी मदद करोगा ख कुछ देर के बाद ही क्यों ना हो सल्लल्लाहु रसोल्ला वसल्लम ने तो यहां तक अल मज़लूम व इन ख्याो इन नई सदू तुम जुल्म करने से बचो खा किसी काफिर के साथ ही जुल्म क्यों ना हो वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया एक शख्स जो किसी कौम के साथ त इस एतबार से करता है कि वह हक़ में नहीं है जुलम करने वाली कौम का हामी बनता है वो तो ऐसा है जैसे कोई ऊंट पहाड़ से गिर जाए ना भी और किस अंदाज से वो ज़मीन की तरफ आता है मैसल्ल यौम हूँ अलाक

नहीं बारिश का नजूर अल्लाह के हुक्म से होता है मुकिर न भी फतल ही और बेरहमति अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हमें बारिश मिलती है वहीफ सुल्तान और बादशाह के जुल्म के बारे में वह बिल क़दर और एक ऐसा वक्त आएगा लोग तकदीर को जुट लाने वाले होंगे एक ऐसा वक्त आएगा तकदीर को जुट लाया जाएगा इसीलिए रसोल्ला ने के राम की तरबियत इस अंदाज से की कि वह हर किस्म के जुल्म से अपने आप को महफूज रखे उमर बिन अब्बुल अजीज अलैहि एक गवर्नर ने बहुत सारी जरूरियात की समरी भिजवाई और यह लिखा بہت بوكي و کی مالكي زرورتي تو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه نه اسكو جوابي لکھا فإذا قرأت كتابي فحصن مدينتك بالعدل ووسق طرقها من الظلم فإنه حرمتها والسلام जब मेरा ये खत तुम्हें मिले तो इस ख़त मिलने के बाद अपने शहर को आदल के साथ महफूज़ करना और जुल्म से दूर कर लेना तेरा शहर आबाद हो जाएगा वलमकम अमर मिनद्रा अज़ीज़ के कहने के मुताबिक जिस कौम के अंदर आदल क़ायम हो जाए और जुलम दूर कर दिया जाए उस कौम को वक़ार और रौनक के साथ जिंदगी गुजारना बड़ा आसान हो जाता है और उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमत आ करते थे ला मुल्क फ़ौज के बगैर हुकूमत नहीं वह जुंद मैल और फौज अपनी सलाहित को माल के बगैर नहीं दिखा सकती ولا مال الا بالبلاد اور جب تک حکومت مضبوط نہ ہو مالی آمدن مضبوط نہیں ہو ولا بلاد الا برعايه اور ملك ملک رعايا کی حقوق کی ادائیگی کے بغیر مضبوط نہیں بن ولا رعايه الا بالعدل اور رعاية ہی رعايا اس हाकिमें वक्त की ताबें होती है और ना ही रियाया उस वक्त तक बेहतरीन बन सकती है जब तक उनके साथ अदल का मामला न किया जाए मेरी अल्लाह लाहमकुलमलक से दुआ है अल्लाह अमल्क हमें हर किस्म के जुल्म से बचने की तोफ़ीकता फरमाए और अदल के पहलुओं को गालिब करने की तोफ़ीकतः फरमाएँ नाजीन किराम برنامج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ